अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बड़ी खुशी मकाम है कि आज मेरे साथ जो हमारे पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी के जो स्कॉलरशिप विनर स्टूडेंट हैं, इन्होंने इसी साल 2016 में ही ज्वाइन किया। तीन चार दिनों में एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली तो इनको स्कॉलरशिप मिल गया। फिर उन्होंने तकरीबन 15 दिन में इन्होंने पूरा कोर्स को कम्प्लीट कर लिया और फिर 90 डेज में जीरो से शुरू करके, कहाँ से, जीरो से शुरू करके, पहले कभी ऑनलाइन पैसे नहीं बनाए, 90 डेज में नाउ ही अर्न्ड $1,000, in fact, it will be exact $1,009 online. और इनकी स्किल्स क्या है, वो ये लोगो डिजाइनर है, ये ग्राफिक डिजाइन का जैसे कहते हैं लोगो डिजाइनर ये करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी सी इनकी इनका बैकग्राउंड बताता हूँ, इनकी एजुकेशन क्या है, ये स्टूडेंट हैं। ये देखिये मैं आपके साथ इनकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये सैयद अली अकबर शाह, ये BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ये MUST से कर रहे हैं, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजाद कश्मीर पाकिस्तान से हैं। और ये इनकी फेसबुक प्रोफाइल है, आप इनको फेसबुक में फ्रेंड ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और अगर आप इनसे कोई क्वेश्चन करना चाहें इस वीडियो के बाद, आप इस ये PC ऑफिशियल का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जाके आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इनको टैग भी कर सकते हैं, लेकिन आप इनको प्राइवेट इनबॉक्स PM करना है, वो ना करें, क्योंकि वो सारा पब्लिकली आपके क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं, इन्होंने एप्लीकेशन जो है January 4th को अप्लाई किया, 4 दिन बाद इनकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी। लेट मी टेल यू, मुझे इनका, हमारी किसी भी टीम को, किसी भी इनसे कोई वो नहीं, बिल्कुल उसी प्रोसेस से है जिससे सारे दूसरे लोग आते हैं। हम इनको बिल्कुल पहले नहीं जानते थे, ऐसे नहीं होता जानने वाले को जी वो पहले जल्दी कर दिया, इसका ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इनसे भी पूछेंगे ये चीज। इनको January 10th को स्कॉलरशिप मिला, इन्होंने कोर्स जो है January 10th को शुरू कर लिया। आई कैन सी के एक्साइटमेंट थी, जब जी अप्रूव हुआ फौरन शुरू कर दिया, और January 25th तक इन्होंने कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया। फिर दरमियान में कुछ मौका मिला कि मार्च में वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू हो रहा था, जिसमें हमारे काफी सारे जो सक्सेसफुल और भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ पैसे बनाए हुए थे, उनके साथ कॉन्टेक्ट किया गया। उनमें से सैयद अकबर अली अकबर शाह भी थे। उस वक्त इन्होंने इंटरव्यू के टाइम तक इन्होंने अभी $75 बनाए थे। अगर आप इसका इंटरव्यू वॉच करना चाहते हैं तो ये लिंक है PakistaniSocialEntrepreneurshipAcademy.com/VOA/features PC Entrepreneurs, ये लिंक है, इस लिंक पे जाकर आप इनका इंटरव्यू वॉच कर सकते हैं, इसमें और भी स्टूडेंट्स हैं सक्सेसफुली। अभी इन्होंने मुझे शेयर किया कि एक मेजर माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया, April 26, 2016 को पहली दफा इन्होंने एक दिन में $100 फाइवर पे अर्न किया है। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। अब इनकी असल बात तो ये, अब हर रोज का ये दिन को रिपीट करना है वो कैसे कर सकते हैं, चलें ये वो तो इनके फ्यूचर की बात है, इनसे पूछते हैं। ये मैं थोड़े से फैक्ट्स बताएं आपको, सो यू गेट एक्साइटेड इंस्पायर। आप ये करें कि सारा कुछ जो भी अभी आप कर रहे हैं उसको छोड़ दें और पूरे इसी सेशन में इस इंटरव्यू को पूरा आपने वॉच करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं करेंगे आप इसे लर्न कुछ नहीं कर सकेंगे। लेट मी टेल यू दिस वन राइट नाउ, तो आप इस पर फोकस करें और इसको वॉच करें। आई एम गोइंग टू लर्न विद यू डायरेक्टली कि इन्होंने ये सारा ये सफर है जीरो से $1,000 तक का कैसे अचीव किया है। आप लर्न करें, फिर इसको मॉडल करें ताकि आप भी अपनी जो आपकी जो भी स्किल है आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। इस तरह हम एक एक करके इंशाल्लाह पाकिस्तान में मिलियन लोग जो है वो ऑनलाइन सक्सेसफुल होंगे। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, सारा ये सारे लोग, ये पूरी प्रॉस्पेरिटी चेंज हो जाएगी। देखें जीरो से $1,000 का जो सफर है। प्लीज वेलकम सैयद अली अकबर शाह जी। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया हमारे पास टाइम देने का। जी सर जी, आप सैयद अली अकबर शाह बताएं, ये आपने कैसे, ये सफर आपका कैसे शुरू, आपका BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप 3rd ईयर में आप कर रहे हैं, अभी अभी तो आपकी कंप्लीट भी नहीं है, आप स्टूडेंट भी हैं, फिर उसमें क्लास असाइनमेंट्स भी होती हैं, फिर वो ये कोई ना कोई, आप एज ए स्टूडेंट तो कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो बड़ा मसरूफ हूँ अपनी स्टडीज में। तो ये आपने कैसे, किस तरह आपको इंस्पायरिंग वो जो स्पार्क होता है कैसे आया कि आपने इस पे अप्लाई किया? सर एक्चुअली मैं जो है ना फेसबुक नॉर्मल इस्तेमाल कर रहा था, वैसे एक दिन तो मैंने वो दान्याल खान चौधरी आपने जो इंटरव्यू लिया था वो सुना, मैं बड़ा हैरान हुआ कि देखे लोग नेट पे 20 लाख रुपया अगर माना कमा सकते हैं तो हम तो कुछ उनसे कम ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमा ही सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने आपका जो प्लेटफॉर्म है ये मुकम्मल सर्च किया, फिर अपनी एप्लीकेशन दी, वो अप्रूव हुई, और फिर मैंने पर्सर आगे मुकम्मल अपना कोर्स पूरा किया। और जो स्टडी का मामला ना, मेन ये है कि मैं स्टूडेंट भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ, मेरी अपनी अकेडमी है जिनमें मैं DAE के बच्चों को पढ़ाता हूँ 2nd टाइम में, और यही दो चीजें हैं कि मेरी पढ़ाई और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर ये ना हो तो शायद मेरी अर्निंग अभी इससे 3x हो या 4x ज्यादा होती। स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना तमाम चीजों को, और इंजीनियरिंग में खास तौर पे काफी टफ सिस्टम हो जाता है। तो लेकिन ये अभी मेरी जो है ना 60% डेडिकेशन थी इस काम के लिए, तो मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। मैं जितने मेरे सुनने वाले हैं उनको मैं
एक बात जो है वो ये क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज है आपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है, कैसे उसको आपने अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। और ये चीज सीखने के लिए जो सर जेसन गिलबर्ट ने कोर्स कराया था वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। अगर आप उसको बड़े गौर से सुने और समझें तो यकीनन आप मुझसे भी 10 गुना आगे जाएंगे। मैंने तो उनको यानी बहुत अच्छे तरीके से भी नहीं सुना, नॉर्मली सुन के यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि मुझसे अच्छे तरीके से सुनेगा तो वो मुझसे भी बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप जब आप अप्लाई कर रहे थे स्केप्टिसिज्म क्या थी, ताकि जो जो बहुत सारे लोग हैं वो अप्लाई करते हैं उनमें बड़ा स्केप्टिकल माइंड होता है, तो आपकी स्केप्टिसिज्म क्या थी? मैंने देखा था ग्रुप में कि कोई कह रहा था कि सर जी मेरी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो रही। मैंने इस मामले में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने कहा जो मर्जी हो 10 फॉर्म हो 20 हो 30 हो मैंने करना ही करना है। और इसीलिए मैंने 4 दिनों के अंदर अंदर अपनी हर चीज मुकम्मल करके फॉर्म सबमिट कर दी। तो जो लोग एप्लीकेशन के शुरू में ही रुक जाते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सो दे वांट टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम यू। मैं तो समझता हूँ कि वो उन लोगों का शुमार उनमें होगा जो चाहते हैं कि बस वो बैठ जाए और प्लेट में उनको आकर चीज मिल जाए। असल में ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे आप लोग जज करते हैं कि आया बंदा इस काबिल भी है कि उसमें इतने पेशेंस हैं कि वो ये काम कर सके या वो फेलियर है। अगर तो वो फेलियर होगा वो पहले स्टेप करेगा, फिर आपसे पूछेगा सर मेरी एप्लीकेशन में ये मसला होगा वो। हालांकि एप्लीकेशन बिल्कुल ईजी है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप परेशान हो। यानी एक बंदा जो नॉर्मल इंग्लिश समझ सकता है वो उस पूरे सिस्टम को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकता है और उसको फिल करके सबमिट भी कर सकता है। बहुत सारे लोग जो है वो अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, फिर वो कहते हैं मुझे तो पहला ऑर्डर नहीं मिला, मुझे तो कोई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा, या एक आध मिला है बाद में दोबारा नहीं मिला। तो आपने वो कैसे वो पहले ऑर्डर कैसे लिया, फिर आगे आप बोलो कैसे ये प्रोसेस शुरू हुआ? क्योंकि ज़रा नया था तो उस टाइम तो खैर मैंने वो बाय रिक्वेस्ट की एक वहां पे ऑप्शन होती है उस तरीके से ऑर्डर लिया। लेकिन आप जो भी बंदा फाइबर पे काम करता है वो उसका टारगेट कभी भी पैसा नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी है क्लाइंट्स। अगर क्लाइंट्स आपसे खुश हो गए वो तो एक बंदा दूसरे को बताएगा और दूसरा तीसरे को, ऐसे एक पूरी चेन बनेगी। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कस्टमर है जो पहले दिन आए थे और आज मुझसे वो 8, 8 और 9 मरतबा मेरे पास आ चुके हैं और उनके रेफरेंस से मैंने 10, 10, 20 बंदों को डील कर चुका हूँ। तो इसलिए सबसे जरूरी है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, उसको आप हैप्पी करें और इंशाल्लाह फिर आगे आपका काम उसकी वजह से चलेगा। ये स्किल हमारी जो है ये सिर्फ कम्युनिकेशन की है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग वेब डिजाइनिंग ये वो ये चीजें मानी नहीं रहती। तो इसका मतलब ये जेसन गिलबर्ट ने जो पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी के जो फाइवर सक्सेस कोर्स में जो टेम्पलेट दिए हुए हैं ऑर्डर को कैसे लेना, कैसे डिलीवर कैसे करना है, उसे कम्युनिकेट कैसे करना है, वो टेम्पलेट यू आर टॉकिंग अबाउट दोस टेम्पलेट्स, कम्युनिकेशन की बात हो रही है? वही टेम्पलेट मैं अभी तक इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें मैंने 0.1% भी चेंजिंग नहीं की। जैसे वो कहते हैं ऑर्डर आपने डिलीवर करना है, मैं कंप्लीट वही मैसेज मैंने लिख के सेव किया हुआ है, वही मैं उठाता हूँ कॉपी पेस्ट करके वही दे देता हूँ। जब ऑर्डर लेता हूँ तो कैसे बात करनी है वही वहां से उठाता हूँ कॉपी पेस्ट करता हूँ दे देता हूँ। एक भी लफ्ज नहीं है जो मैं खुद ऐड करूँ या मैं उसको ज्यादा दबाव डालूँ या उसको कहूँ जी आप मुझे ऐसे रिव्यूज दे दें, ये उसको बिल्कुल वही मैसेज मैंने कॉपी किया जो सर ने वहां पर लिखा हुआ था। और उसके बाद वो वैसे ही खुश हो जाते हैं कि इतने इतने अच्छे तरीके से डील किए या अच्छी सर्विस दी, तो वो टिप भी देके जाते हैं और उसका रिव्यूज भी 5 स्टार देके जाते हैं और बाद ये कहते हैं कि काश 5 स्टार से ज्यादा होते तो हम आपको वो भी देके जाते। That's a very good feeling. चलें ये तो आप अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आप इसमें बताएं इस प्रोसेस में आपको चैलेंजेस क्या आए और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? सर मेरे लिए तो इस प्रोसेस में चैलेंज तो खैर इतना नहीं था बिल्कुल, क्योंकि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कहा था कि करना ही करना है जो मर्जी हो, जिस तरह भी हुआ मैंने ये करना ही करना। तो सिर्फ मेरे लिए जो इशू था वो मेरी स्टडी का या मेरे टाइम का, उसके अलावा तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा बहाना नहीं है जो मैं पेश करूँ कि मैंने ये कर लिया या मैंने वो कर लिया इस वजह से मैं काम हूँ। हर बंदा कर सकता है, लेकिन अगर वो अपनी ये जो खाम खा के बहाने हम बनाते हैं अपने आप को खुद अपने आप को खराब करने के लिए, इसका कोई मकसद नहीं है। अगर आप ये कहते हैं ना कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप में एनर्जी है तो आप जरूर कर सकते हैं, ये बहानों की तो जरूरत ही नहीं। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है जिसमें आपने $1,009 बनाए? यस सर। अच्छा ठीक है, ये बहुत बहुत आपको मुबारक हो इस चीज की। आपके 66 रिव्यूज हैं और इसमें जो नेगेटिव हैं वो 0 हैं, 16 लोगों ने आपको रिव्यू नहीं दिए, तो ये जो रिव्यूज दिए हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव आपका रिव्यू कोई नहीं है। 8 आपकी गिग्स हैं, ये आपके पेज व्यूज हैं, 15 गिग्स लोगों ने सेव किए हैं, 3.9% कन्वर्जन है। तो ये आप इसके बारे में कुछ बताएं, जब आप इसको देखते हैं कि आपने ये 3 महीने पहले आप वापस जो पहले जाएं तो आपको अपने आप ये यकीन भी नहीं होगा कि आप ये कभी ऑनलाइन पैसे बना रहे होंगे। तो ये प्रोसेस जो आप अपने आप से जो आप ऐसे समझें आपका जो बेस्ट फ्रेंड है आपको वॉच कर रहा है, ये आप उसको पूरा सफर बता रहे हैं $0 to $1,000 का इन 90 डेज। ये बात बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि ये मेरे लिए कितने मायने रखते हैं, इनकी क्या वैल्यू है। मैं ये चाहता था कि मैं अपनी स्टडी भी करूं और साथ जॉब भी करूं। अब मैं यूनिवर्सिटी से अगर आऊँ, सेकंड ईयर में मैं जॉब करता था, मैं शाम को 4 से लेकर रात को 2 बजे तक पिज्जा हट में मैंने जॉब किया है
और वहां मेरी सैलरी थी 10,000। तो आप खुद जज कर लें कि इतनी स्ट्रगल के बाद मैं वो 10,000 कमाता था महीने के बाद, और ये घर बैठ के आराम से, कोई मुझे टेंशन नहीं, मैं अपना बॉस खुद ही हूँ, मुझे कोई ऑर्डर देने वाला नहीं, आराम से घर के माहौल में काम करता हूँ, और उसके बाद जब आउटपुट ऐसी हो तो पता वैसे ही बहुत खुश हो जाता है। पहले आप $100 महीने का बनाते थे, अब आपने ये पहले 3 महीने में आपने $1,000 बना लिया, तो आपकी तो इनकम 300% बढ़ गई है, प्लस आपको वो यूनिफॉर्म पहन के जाना भी नहीं, किसी बात भी नहीं सुननी, आने जाने का टाइम बच गया। बिल्कुल ऐसा ही, प्लस ये प्रोफेशनल स्किल्स है जिसको भी आप, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, बिलीवेबिलिटी है या कि अभी भी कुछ शक है कि नहीं पता नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना सर। कॉन्फिडेंस तो खैर है, लेकिन कॉन्फिडेंस अब ये है कि इससे अगर यहाँ तक कर सकता हूँ तो इससे आगे मजीद भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर आगे जो बाकी जो पीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलरशिप विनर्स हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज है? नॉर्मली आप बात करते हैं 3 पॉइंट्स की, तो मेरे पास भी सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं उनको बताने के। सबसे पहली चीज है डेडिकेशन, कि आप अपने काम के साथ मुकम्मल तौर पर सिंसियर हैं, आप उसको ये मजाक में ना लें कि ये फन कर रहा हूं मैं या टाइम पास कर रहा हूं। जब डेडिकेशन आपकी 100% होगी तो फिर उसका जो आउटपुट होगी वो भी 100% ही होगी। और उसके बाद दूसरी चीज है, दूसरा पॉइंट है पेशेंस, यानी आपने सब्र रखना है, कि आपने ये नहीं देखना कि अगर फलां बंदा वो 7 लाख कमा रहा है या फलां 10 लाख कमा रहा है, आपने क्वालिटी देनी है, यानी ये आपने उसका रेट नहीं देखना। आप अच्छी क्वालिटी देंगे तो यकीनन थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप भी अच्छे लेवल पे जरूर आएंगे। थर्ड और मेन जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन, कस्टमर को आप ऐसा माहौल दें कि वो समझे कि मैं जिस तरह अपने एक दोस्त से बात कर रहा हूँ मुकम्मल, आप उसको बोलें कि मैं मेरी जॉब जो है वो तुम्हारी सेटिस्फेक्शन है, बस मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए जितना आप बोलोगे उतना काम करूंगा, लेकिन आपकी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। जब आप उसको ये ऑफर करेंगे तो उसके बाद समझे कि उसका काम गंदा भी हो वो खुश हो जाएगा। ये तो आप जैसे गिलबर्ट का फिक्रा यूज कर रहे हैं, योर सेटिस्फेक्शन इज माय टॉप प्रायोरिटी। सर मेरे अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने 0.1% भी चेंजिंग नहीं ली, सेम वही सब कुछ वही है। या जो अच्छा स्टूडेंट है वो जो है ना, जो प्रूवन सिस्टम हो उसको क्वेश्चन नहीं करता, उसको अडेप्ट करता है, उसके अच्छे ही निकलेंगे ना ऑटोमेटिक। बिल्कुल सर, अगर आप डाउट करते हैं तो उसका नुकसान आपको खुद हो रहा होता है, कि वो चूंकि वो सिस्टम तो प्रूवन है ऑलरेडी, अगर आप अपने आप पे डाउट कर रहे हैं नहीं मैं नहीं कर सकता, वो कर सकता है आप भी कर सकते हो, ये इसमें कौन सी बात है, नहीं है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछे लोगों से, इसमें कोई हम किसी को स्टॉप नहीं कर रहे, हम तो मिलकर ही आगे जाना चाह रहे हैं ना। सर में सर पता है कुछ, यानी कुछ बच्चों के पास जो क्वेश्चन है वो बड़े यानी मिलियन डॉलर का क्वेश्चन होता है, लेकिन वो करते ऐसे हैं कि वो सबसे पहले बंदा ट्रेस करते हैं, अच्छा कोई टॉप रेटेड सेलर है, कोई अच्छा सेलर है, उसको इनबॉक्स करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मेंटेलिटी ऐसी है कि या वो चाहते हैं कि खैर हम ही कामयाब हों, लेकिन मैं जो है ना सबसे जरूरी ये समझता हूँ कि अगर आप कामयाब है तो आप दूसरों को कामयाब करें। अगर आप ये समझेंगे ना कि आप अपनी कामयाबी किसी से छुपाएं और दूसरे बंदे से दबाएं तो समझे कि आप फेलियर हैं, क्योंकि जो कामयाब बंदा होता है वो कभी भी अपनी कामयाबी छुपाता नहीं है, बल्कि दूसरों को उंगली पकड़ के आगे लेके जाता है, ये कोशिश करता है। तो तमाम जो सुनने वाले हैं मैं तुमसे ये गुजारिश करूंगा कि जो भी क्वेश्चन है वो आप ग्रुप में पूछें या मुझे टैग करें, जब वहां पे जवाब मिलेगा तो वहां पे एक बंदे की बजाय 100 बंदे को जवाब पा सकेंगे और उसको उससे फायदा होगा। देखा आपने, आपने इनबॉक्स नहीं करना, आपने ग्रुप में ही टैग करना है, नीचे उनसे पूछें और ताकि दूसरे लोग भी उसका फायदा उठा सकें, ये सबके फायदे की बात है, 1-to-1 का चक्कर नहीं है, क्योंकि वो उसे एक जब जवाब देंगे तो बाकी जो हजारों लोग हैं वो भी देख सकेंगे। इसके अलावा टीम के अलावा कोई बोनस टिप देना चाहें? सर यही 3 बोनस टिप थी, मैंने अभी जितने टाइम है ना उसमें यही मैंने सीखा सबसे बेहतरीन, बस मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, तो याद रख पहुंचो, अगर इससे बहुत अच्छा हो जाऊंगा तो शायद मैं कुछ और बोनस भी मेरे पास आज देने के लिए या कुछ मजीद सीखूंगा, तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। तो आप ये आपका ऐप इस तरह करें, बिगेस्ट चैलेंज जो आपका आया वो शेयर करें, चैलेंज तो आते हैं सारे काम में, कोई भी काम आसान तो नहीं होता। यार बिगेस्ट चैलेंज ये है कि वही बात है पेशेंस की, सब्र जो है सब्र बहुत मुश्किल है। आप यकीन करें कि मेरे जो दो हफ्ते गुजरे हैं मेरे पास एक ऑर्डर भी नहीं आया, बिल्कुल मेरे ऊपर से एग्जाम थी उसकी टेंशन, ऊपर से मुझे फाइवर की टेंशन, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, इतना अच्छा मेरा काम चाह रहा था, तो पिछले माह तो मैंने तकरीबन 400 डॉलर कर लिया था, इस मतलब तो मेरे 10 भी नहीं हुए। यानी जो सबर है, सबर ही सबसे बड़ा चैलेंज है, आपने इसको कम्पीट करना है, अपने जो पेशेंस है इस पे काबू रखें तो ही आप कामयाब होंगे, वरना अगर आप दिल छोड़ के तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने जो 3 टिप्स बताए उसका क्विक रीकैप है, एक तो आपने पेशेंस से सबर से काम लेना है, दूसरा आपने डेडिकेशन को आपने डेडिकेट होके काम करना है, तीसरी चीज आपने बताई जब क्लाइंट आपको कोई मिलता है तो आप उसको टॉप क्वालिटी उससे प्रोड्यूस करनी है, टॉप क्वालिटी देनी है, उसकी क्वालिटी में उसको कंजूसी नहीं करनी, जो उससे बल्कि अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करना है, आपने थोड़ा सा उससे ज्यादा ही दें ताकि वो और खुश हो जाए, ये ना फिक्र करें कि उसने $5 का काम दिया है वो क्या होगा, जब वो खुश होगा तो अगला वाला जो काम है वो आप, अब आपके जो एवरेज डॉलर है, आप तो फाइवर में यूजुअली लोग $5 का ऑर्डर से शुरू करते हैं, तो आपका जो है
अब आपका एवरेज और डॉलर साइज क्या है, मतलब जो एवरेज साइज जो गिग का? एवरेज सेलिंग प्राइस मेरी है ना अभी $18 है, यानी जो मैं एवरेज सेल करता हूँ वो $18 है। $18 है, चले माशाल्लाह। ये तो 3 महीने में आपने एक तो जीरो से $1,000 बनाया है, दूसरा $5 से $18 पे गया, तो दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 333% यस सर आपने इंक्रीज किया है। अब आपने अब आगे क्या फोकस है, कैसे क्या करना चाहते हैं आप अपने इसको एक्सपेंड करने के लिए? सर अब ये अभी मैंने ये तो मैंने सीख लिया, अब आगे मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग और वीडियो एनिमेशन की तरफ आऊँ, क्योंकि कभी भी आपको एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए जब आप ऐसे बनाना सीखें। अब मैंने एक काम किया इसके यानी ये सीढ़ी चढ़ी मैंने, अब मेरा अगला टारगेट है वो वीडियो एडिटिंग है, जब वो करूंगा तो फिर उस स्टेज पे जाके मैं कुछ और करूंगा। यानी कभी भी एक पॉइंट पे नहीं बैठना चाहिए कि बस इधर ही मैं बैठ जाऊँ, बस जितनी आ गई है ये रोजी जो कमा रही है वो कमा रही। बंदे को कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़े ताकि बाकी लोग उसको देखें वो भी कोशिश करेंगे आगे बढ़े। वेरी गुड। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं अभी जो, अगर आपके पास ऑर्डर्स कभी पेंडिंग भी होते हैं या के ये आप रोज के रोज पूरे कर लेते हो? असल में पेंडिंग होते हैं कई मरतबा, यानी मैं जो कस्टमर है मैं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत ऑर्डर है, तो आप मुझे जो है मैं आपको ऑर्डर भी वैसे डिलीवर कर रहा हूँ तो आपको मैं एक दिन तक यानी भेज दूंगा, तो फिर जब मुझे ऐसा करना पड़े तो मुझे कोई चीज उनको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, चाहे वो उनके कमर्शियल राइट्स हो चाहे वो सोर्स फाइल हो। सोर्स फाइल जो है वो $10 कॉस्ट है उसकी, कमर्शियल राइट्स हैं वो $20 हैं, यानी फिर उनको मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन मुझे ये होता है कि यानी मैं जो काम कर रहा हूँ ना ये गारंटी है कि मेरा कस्टमर उससे बिल्कुल खुश होकर जाएगा। और इस तरह फिर ये होता है कि जब मैं उसे टाइम देकर उसको बताता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल है तो मैं आपको एक दिन के बाद दूंगा, जब उसको मैं काम वो दे दूँ और जब उसको पसंद आता है तो आप यकीन करें वो सोर्स फाइल तो मैं फ्री दे रहा हूँ लेकिन वो जाते मुझे $20 या $25 टिप दे जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ये देखिए आपने माशाल्लाह आजाद कश्मीर से ये आप आए हैं, तो आप आजाद कश्मीर के और पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्पिरेशन देना चाहती है कि क्या वी कैन डू इट और ये इससे हम पूरे पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आपके इंस्पिरेशनल मैसेज क्या है? सर बिल्कुल, यानी मैं ये समझता हूँ कि हर बंदा कर सकता है लेकिन सिर्फ ये कि डेडिकेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर इंसान तभी जीतेगा जब वो अपने आप को हरा देगा। अगर आप ये समझेंगे ना कि दूसरा बंदा कर रहा है, हर बंदा कर रहा है, तो मैं क्यों, मेरा भी तो जहन सबके बराबर है। और मैंने फेसबुक पे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि राउतला सबसे बड़ी मिसाल है, उस जितना बच्चा किस लेवल पे कमा रहा है कि हमारे एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं होगी। तो आप पॉजिटिव अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप फेसबुक है कोई भी सोशल मीडिया आप कहते हैं कि आप उन जितने पॉजिटिव लोग हैं उनको अपने एक भी कर लें, उनसे कनेक्शन जोड़ें, उनसे आप अच्छी अच्छी बातें सीखें। और मेरी यानी मेरी अभी जो है 24 एज है, इस 24 एज में मेरा ये साल का ये बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। फेसबुक के हवाले से मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके बारे में ना मैंने सुना था ना मुझे पता था, फिर उनसे मैं सीख रहा हूँ चीजें, उनको बताता हूँ कि मैं फलां जगह से हूँ ये मैं करता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे अच्छी से अच्छी चीज सीखूँ। जब उनको मैं ये बात बोलता हूँ तो फिर वो कहते हैं कि वाकई जी ये तो बहुत अच्छा है, तो उसके बाद फिर वो मुझे अपने यानी कोई ना कोई चीज भेजते रहते हैं या उसमें टैग करते रहते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं सीखूंगा और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से बढ़ूंगा स्टेप बाय। चलें, बहुत शुक्रिया आपको और आपकी फैमिली को, बहुत बहुत मुबारक हो। सैयद अली अकबर शाह, मैं आपकी एक बात बताने लगा हूँ, कुछ हफ्ते पहले आपकी मैंने फेसबुक प्रोफाइल देखी थी तो उसमें तो माशाल्लाह बहुत वो थे, ये वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू से पहले मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, बल्कि वो वीडियो का एक सेपरेट 10-15 मिनट की वीडियो, आप उसको वॉच करें, बल्कि हम कोशिश करेंगे इसके साथ उसका लिंक भी दे दें ताकि आपको बिफोर एंड आफ्टर नजर आ जाए। तो उसमें देखी और उसमें बड़ा वो आप इस्लामिक पॉलिटिशियन ये वो सारा कुछ वो आप कर रहे हैं जिसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं था, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीथिंग। अब आप ये बताएं उस वीडियो के बाद आपने, मैंने ये देखा कि जो मैंने आपको लाइव बताई चीज आपने वो चेंज कर दी और आपकी माशाल्लाह प्रोफाइल जो है बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी क्रिएटिव माइंड बंदा कुछ सीखने वाला लगता है। जैसे आप वो एक्सपीरियंस शेयर करें कि बिफोर एंड आफ्टर वो जो प्रोफाइल चेंज का था जिसमें आप रियल आप नजर आ गए, ताकि कोई लोग आपसे इंस्टेड ऑफ फेयर कोई आपसे वो एलर्जिक हूँ दे वांट टू कनेक्ट विद यू, क्या एक्सपीरियंस था आपका? सर वो उसमें फेयर एडवाइस भी है और ये फेयर एक्सपीरियंस भी है, वो ये कि बाद लोग ये समझते हैं कि शायद यानी जो बंदे की अपीयरेंस है ना आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि वो कैसा या था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उस टाइम मेरी जो मेंटेलिटी लेवल था वो यही था कि मैं ये मौजूदा निज़ाम और इस तरह की बातें शेयर करता रहता था, लेकिन जब मुझे पता लगा उसके बाद मैंने मुकम्मल तरीके से जितने ऐसे लोग थे उनको भी डिलीट किया, हर चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया। अब मेरी फेसबुक पे कोई 0.1% भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे बंदा को देख के ये गैस करे कि कोई ऐसी बात है या ये लेवल है, यानी कि हम उस मैंने उसको इस तरह सेट कर दिया कि मैं सीखूं। कोई बंदा यानी मुझे देख ये ना कहेगा ये फलां इसका तल्लुक है ये है वो है, हमारे ग्रुप में या कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ये कैसे आप कैसे काम करेंगे, आप जो सिस्टम चाह रहा है उसमें वो आपने अपनी पिक्चर लगा दी, रियल पिक्चर आप लगा देते हैं ये तो काम बड़ा खराब होगा, आपको तो ऑर्डर भी कोई नहीं देगा। और जिन लोगों ने मुझे ये बात यानी जो मुझे ये कह रहे थे तो करना ऐसा हुआ कि मेरा उनसे सबसे अच्छा काम गया। यानी कभी भी जो बिजनेस माइंडेड जो है वो आपको कभी ये नहीं देखेंगे कि आपकी एक्सपीरियंस क्या, उनको सिर्फ क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी देने वाला जो मर्जी बंदा हो तो वो इंशाल्लाह आगे
अब आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे क्रिएट करते हैं। ये अब आपकी प्रोफाइल है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, ये बिल्कुल जबरदस्त, ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने ये की है, ये देख रहे हैं अब आपको। असल में जो आपकी अपीयरेंस है ना, डोंट फोकस ऑन द हाउ आई लुक लाइक, ये बात नहीं है उसका कोई, ये मैं तो ये कहता हूँ कि हाउ यू लुक लाइक यू हैव अ जीरो इनपुट ऑन दैट, यू नो जो आपका है वो लोग आपके काम पे फोकस करते हैं, वो आपके वो इन चीजों पे फोकस नहीं करते कि हाउ दिस पर्सन लुक लाइक, उन्होंने आपसे कोई वो रिश्तेदारी थोड़ी करनी, उन्होंने आपसे काम करना है। तो आप ये देखिए, ये अच्छी अच्छी ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये तो अब जो लोग हैं इनके डेफिनेटली आप इनको फ्रेंड ऐड करें, तो अच्छी चीजें शेयर करें, ये अच्छे लोगों की, ये देखना, डोंट वेस्ट योर टाइम यू नो विद एक्सप्लेनेशन, पीपल ओनली हियर व्हाट दे वांट टू हियर, यू नो। तो ये मार्टिन लूथर किंग की है, तो ये वेरी गुड, थैंक यू सो मच कि आपने ये शेयर किया कि आपका जो फेसबुक का एक्सपीरियंस था वो बिफोर एंड आफ्टर का आपका अच्छा एक्सपीरियंस साबित हुआ, और मेंटली भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया कि आप वो जो शेयर कर रहे हो वो सुनने वाला कौन है। मैंने देखा है ये कुछ नहीं, आपने देखा है कि आपके कमेंट्स भी जो आप इंग्लिश में आ रहे हैं वो उर्दू पंजाबी में नहीं आ रहे क्योंकि आपके क्लाइंट सारे इंग्लिश कंट्री से हैं, तो आपको उसी तरह चीजें फीड करनी है ताकि वो लोग आपसे कनेक्ट कर सके। आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो आखिर में जितने भी हैं ना उन सबसे यही बोलूंगा कि जितना अच्छा वो कर सकते हैं उतना अच्छा वो करें, और जो उसका आउटकम है उसके लिए उनकी ये परेशानी होनी चाहिए कि जनाब कैसा होगा। अगर आप अच्छी नीयत से और फुल डेडिकेशन से क्वालिटी दे रहे हैं लोगों को, तो यकीनन आपको आउटपुट में भी क्वालिटी ही मिलेगी, नेगेटिविटी कभी भी नहीं मिलेगी। तो बस डेडिकेशन अपनी 100% रखें तो आउटपुट भी हमेशा 100% ही होगी। वेरी वेल सेड। देखें अब आपने वाच किया है कि अभी वो 3 महीने में जीरो से लेकर $1,000 ने कैसे बनाया और उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे सक्सेस के, आप भी अडॉप्ट करें इस वीडियो को। आप खुद इंस्पायर हुए हैं तो आप, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप अप्लाई कर दें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसको अप्लाई करके इसके रिजल्ट लेके आए, ताकि आपका स्टोरी भी हम दूसरी दुनिया के साथ, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकें कि आपने ये अचीव किया है, ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए यही असल पाकिस्तान है बेसिकली हमें। लेकिन ये कि इस तरह के जो मेहनती लोग हैं हमें वो हजारों में से एक ढूंढना पड़ता है कि वो हैं कौन, नहीं वो टाइम आ जाएगा इंशाल्लाह, जैसे ये कि वो हम हर दूसरा बंदा ही ऐसे कर रहा होगा तो हमें बहुत, दैट्स वेयर वी कंट्री विल ग्रो एंड वी ऑल विल ग्रो टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।